कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज अभी बज चुके हैं 10:30 या हाँ 10:30 बज चुके होंगे और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं मिसल, जो हमारे महाराष्ट्र में फेमस है, यानी हम नागपुर साइड के हैं तो वहाँ पे है ना, बहुत बहुत दिनों से हम होटल में जाके मिसल खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। तो आज डिंकी भी खाई थी तो डिंकी को भी बहुत अच्छा लगा था और डिंकी को बोल रही थी मम्मी वही बनाना और परी भी बोल रही वही बनाना, तो मैं बना रही हूँ। तो मिसल में क्या क्या लगता है पता है आपको? तो मिसल में पोहा, पहले पोहा ये करना पड़ता है, छोले की सब्जी और तरी वाली ऐसे सिंपल सी, और कोई कड़ी भी डालता है, और भजिए सेव ये सब कर रहे हैं। तो मैंने भजिए का बैटर, देखिए भजिए का बैटर भिगा के रख दिया है, अभी पोहा बनाऊंगी। पहले भजिए तलूंगी, उधर छोले की सब्जी, छोले मैंने सीटी के लिए मतलब सीटी हो गई है 2-4, और वो काले चने, जो काले चने है ना छोले ने, काले चने की तरी वाली रसे वाली सब्जी बनाऊंगी पतली पतली, और फिर इसमें सेव और भजिए सब डालेंगे। और सबको भूख लग चुकी है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और ये देखिए कढ़ाई रख दी है, अभी मैं भजिए तलूंगी, उसके बाद पोहा बनाऊंगी, उसके बाद में वो उधर सब्जी ये हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको कैसे सर्व करते तो दिखाऊंगी। और डिंकी परी क्या हो रहा है, डिंकी परी परी ने डिंकी ना लिया, परी जाएगी नहाने के, तब तक मैं इधर है ना बेटर बना लेती जल्दी जल्दी, नहीं तो लेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर बात। तो यहाँ पे देखिए मैं है ना भजिए तल रही हूँ वो मिसल के लिए। मिसल यानी नागपुरी जो है ना बहुत हमारे मेरे इधर है ना बहुत फेमस है। हम लोग जब भी नरखेड या मेरे मम्मी के यहाँ जाते हैं ना जैसे, तो हम लोग ये पहले खाते हैं, और बहुत ही फेमस है नागपुर की मिसल, जो इसमें चने की सब्जी वो मटर की सब्जी डाल के देते, कड़ी भी डाल के देते हैं। तो ये डिंकी परी को बहुत पसंद है, तो डिंकी परी बोली कि यही बनाओ, तो ये बना रहे हैं। और ये मेरे पापा की भी इतनी फेमस थी, जब तक वो जिंदा थे उन्होंने यही मंगाया बहुत, जब भी हम जाते थे तो बोलते थे यही लाओ, सबको बोलते थे। तो ये देखते हुए हमें उनकी भी याद आ गई थी एकदम से। तो ये देखिए आज हमारा वही बन रहा था, और लंच हमने बहुत लेट किया था, फिर एक नंबर बना था। तो ये देखिए भजिए तल रही हूँ और छोले भी हो रहे, उधर छोले भी पक रहे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे छोले के लिए बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना रही, इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अदरक लहसुन की पेस्ट है ना वही डाल देंगे, बिल्कुल सिंपल। इसमें है ना रस्सा ज़्यादा करना है, यानी तरी ज़्यादा करनी है। और ये मेरे भजिए हो गए शेक के, जल्दी जल्दी पक गए हैं मेरे भजिए। और इसके बाद है ना पोहा भी मैंने भिगो दिया है, और फिर पोहा भी बना लूँगी, और सेव भी ले आए हैं शॉप से, और बस इतना ही। और इतना टेस्टी बना था कि बहुत मज़ा आई थी। तो किस किस को पसंद है ज़रूर बताएगा। तो ये सब तैयारी चल रही है, और इसमें अभी बज चुके थे 10:30 बज चुके थे। तो हमने उसके बाद फिर लंच बहुत लेट किया था ज़्यादा ये नहीं। तो ये भजिए और सेव और ये छोले की सब्जी, इसकी जान है पोहे की, और इतना टेस्टी बना था सच्ची में। और ये देखिए इधर प्याज ब्राउन हो गए हैं, प्याज ब्राउन होने के बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, छोले मसाला डाल देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। और हमने है ना टाइम पर हो गया था, छोले को है ना गलाए नहीं थे रात को, सुबह ही 2 कुकर सीटी दे दी कुकर में, और उसमें है ना थोड़ा सोडा डाल दिया था खाने का, तो अच्छे गल गए छोले। यानी चने, काले चने जो है ना वो सेहत के लिए हेल्दी भी रहते हैं, और हमें बहुत पसंद है वो काले चने। ये जो बड़े ये जो छोले हैं ना, ये हमको उतने पसंद नहीं जितने काले चने हेल्दी रहते हैं। और ये टमाटर प्यूरी कर ली है, तो ये भी सब डाल देंगे। इधर ये बन रहा है, उधर पोहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो अभी मैंने भजिया निकलने के बाद वही वहाँ पर पोहा बना लूँगी। पोहा तो हम लोगों को इतना पसंद है, और हमारा मेरा बनाने का स्टाइल भी अलग है, सबका अलग अलग है। हमारे महाराष्ट्र में अलग ही बनाते हैं, और कड़ी पत्ता नहीं था तो और भी जान आ जाती, कड़ी पत्ता को अभी ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मेरे भजिए, मैं इधर भजिए आपको दोनों साइड का दिखा रही हूँ, तो भजिए इतने मुँह में पानी आ गए, बहुत भजिए बहुत टेस्टी बने थे। पकौड़े, और पकौड़े उसमें डालना ही पड़ता है, और पापड़ भी रहते हैं लेकिन हमने नहीं डाला है, और रस्सा रहता है, तो एक नंबर बना था खाने मतलब ऐसा लगता था कि खाते ही रहो। तो किस किस को पसंद है, मिसल पाव अलग है, और ये हमारा मिसल है, इसको महाराष्ट्र में मिसल ही बोलते हैं, नागपुरी मिसल। तो जो जो मतलब नागपुर साइड के होंगे वो जान जाएंगे। और उसके बाद मैं ये पोहा की रेसिपी बना रही हूँ, तो यहाँ पे जीरा राई डाल दी है मैंने, प्याज और मिर्ची ऐड कर लूँगी, और इतना मतलब ये तो सबको पता है लेकिन फिर भी, और आलू डाल दूँगी। और पोहा में आलू और दाने ना हो तो पोहा में मज़ा ही नहीं आती, मैंने दाने भी तल के निकाल लिए थे। Now, ooh, 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 ooh.
यहाँ पे देखिए तरी वाली चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा और पका देंगे। तब तक मैं अपना उधर का काम कर रही थी जब तक ये पक रहा था, और इधर मेरा पोहा भी बनके रेडी हो गया है, होने वाला है। तो यही चल रहा है। और बस लॉकडाउन भी था, नहीं लॉकडाउन हाँ संडे का ही था, ये लॉकडाउन भी था। तो ये संडे का है, मैं आपके साथ नहीं मंडे का है, ये मंडे का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने उसके पहले मतलब वीडियो बना के तो रख दिया था, लेकिन मुझे और भी वीडियो एडिट करने थे ना, इसलिए मैंने ये लेट कर रही हूँ। और बस यही चल रहा है। और क्या चल रहा है, बस हमारे इधर लॉकडाउन रात संडे का लगता है, रात को 10 बजे से भी लॉकडाउन है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, ना मायके को जाने को मिल रहा है, ना होली, सब अब होली भी आ रही है, किस किस की पता नहीं हमारी होली कैसी जाएगी। तो ये देखिए हमारा पोहा बन के रेडी हो गया है, और धनिया के साथ मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, थोड़ी शक्कर डाल दूँगी, तो इतना टेस्टी पोहा भी एक नंबर। अगर आप बिना इसके खाते हैं ना, तो पोहा भी बहुत टेस्टी बनाता है। पोहा तो हम लोगों को बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया, मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। देखिए इस टाइप का रसा बनाना पड़ता है, तो मैंने इस टाइप का पतला पतला रसा बनाया है। और सेव भी दिखा रही हूँ, और पोहा देखिए, पोहा तो एक नंबर ही बना था, और सेव भी ये ले आए शॉप से, तो वो भी हो गए सबके लिए। और डिंकी परी हम लोगों ने पेट भर के खाया है, उसके बाद हमको भूख ही नहीं लगी। तो बस हमने थोड़ा सा मतलब चावल ही राइस ही दोपहर को बस ऐसा ही कुछ हल्का फुल्का ही लंच किया था, फिर रात को हमने बनाए थे, क्योंकि 11 तो बज ही गए होंगे जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हो। प्याज ये देखिए, प्याज भी काट के रख दिए। और ये पकौड़े, पकौड़े तो बिल्कुल एक नंबर एम में बने थे। तो ये देखिए सेव भी मैंने डाल दिए, और अभी मैं सर्व करूँगी सब सबके लिए प्लेटें। और फिर आपके साथ में आप भी आइए, आप भी इंजॉय कीजिएगा। और कैसे लगा तो ज़रूर बताइएगा गाइस, कमेंट करना मतलब अच्छे से कि कैसा बना है, क्या कमी है, तो ये ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम 4 प्लेट लगा रहे हैं, सिद्धार्थ जी आजकल घर में ही है, तो इसीलिए उनके लिए भी लगा रहे थे। हम सब मिलके खा रहे हैं, और आप भी आइए। अब इसमें मैंने पोहा ये कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ा रसा डाल दूँगी छोले का, चने का, काले चने का, और उसके बाद सेव है, ऊपर से प्याज और भजिए। तो इतना मतलब बहुत ही अच्छा बना था, तो बार बार तारीफ़ करने से अच्छा आपको दिख ही रहा होगा। इसमें ऐसे ही क्वांटिटी होनी चाहिए जो सब्जी की है ना, ऐसी होनी है। और ये सेव, और उसके बाद में भजिए और प्याज, प्याज तो मैं आप अवॉइड कर सकते हैं जिनको पसंद है। इसमें टमाटर भी डालो ना तो और अच्छा लगता है, दही भी, लेकिन दही नहीं लाए थे हम लोगों ने। तो यही चल रहा दिन भर हमारा चल रहा था, और यही हमारा मंडे का दिन गया था, और ब्यूटी मतलब मस्त लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम कर लिए, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बना कर लेती हूँ, आप भी आ जाइए। तो देखिए हम सब बैठ के खा रहे हैं, और सिद्धार्थ जी भी आ रहे हैं, सिद्धार्थ जी भी खाएंगे, हम सब साथ में ही खाते हैं। कब हम सब एक दूसरे का वेट करते रहते हैं, छोटी सी स्मॉल सी फैमिली है, तो क्या एक एक खाए, हम साथ में खाते हैं। बच्चे भी है ना हमारे बिना खाते नहीं, लंच हो या डिनर हमारे साथ ही करते हैं। तो डिंकी भी खा रही है, परी भी खा रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किस किस को ये पसंद है ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमारा मैंने कुछ नहीं किया है, उसके बाद मैं शाम को ही आपसे मिली हूँ। तो बस इतना मतलब इंजॉय कर करके खा रहे थे, और अच्छा लग रहा था बहुत ही। और फैमिली के साथ खाने में मज़ा अलग ही रहती है गाइस, फ्रेंड के साथ तो अपन हमेशा खाते, लेकिन घर में जो बना हुआ रहता है ना वो बहुत अच्छा मार्केट जैसा ही लगता है। तो किस किस को पता है ये बता दीजिएगा। और ये देखिए सिद्धार्थ जी पानी लेने जा रहे हैं, और मैं खा रही, एक बार मैं खाने बैठती हूँ ना मेरी एक आदत, मैं उठती नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े वगैरह धो लिए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी कपड़े। डिंकी परी ने तो पहले ही नहा लिए थे, सिद्धार्थ जी भी नहा लिए थे, बस मैं ही बची थी। मैं कपड़े धोने के बाद मैं भी अभी तो हेलो फ्रेंड, तो अभी हो चुकी हूँ मैं फ्री, पूरे काम हो गए हैं, और ब्रेकफास्ट में बनाया था तो ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, वही छोले की, वही चने की, काले चने की सब्जी बची थी, अब वही हम लंच कर लेंगे थोड़ी सी। और रोटी बना ली थी थोड़ी सी, और चावल बना लिए थे, बस तो हो गए, बहुत सारे बनाए थे, मिसल से सबका पेट भर गया। डिंकी परी ने तो बहुत मज़े इंजॉय करके खाए। और फिर मैंने उसके बाद कपड़े धोए, पोछा वगैरह सब हो गया, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, और फिर मैं थोड़ा सा आराम भी कर ली, उसके बाद मैंने बात ले लिए, और उसके बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरा पूरा फिनिशिंग, अब मैं जाऊँगी लंच करने, अभी बच चुके होंगे 2, और ये वॉइस आ रही तो अवॉइड करना, कहीं किसी की गाड़ी आ गई है तो सामान वगैरह होगा, तो ये वॉइस
अवॉइड करना है। और सिद्धार्थ जी भी अभी हम सब लंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं चाय का दिखाऊंगी। बहुत दिन हो गए चाय बनाते हुए नहीं दिखाई, तो आज मैं चाय बनाते हुए भी दिखाऊंगी। गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, और मैं तो सबके ऐड के साथ देखती हूँ, तो आप भी मेरे साथ मतलब वैसे ही रहिए जैसे मैं रहती हूँ। और मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ चीटिंग मत कीजिएगा, है ना। तो बस यही है, और अच्छे से वीडियो वॉच किया कीजिए। तो बस अब मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको चाय के समय मिल लूँगी। सोचा बात नहीं की हूँ तो बात भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, है ना। फिर यहाँ पे शाम का समय हो गया था, और हम लोगों को है ना आजकल हम ये सिद्धार्थ जी घर में है, एक हफ्ता होली तक घर में रहेंगे, तो हम लोगों ने है ना चाय का समय 4:30 बजे कर दिया है। तो 4:30 बज चुके थे, और यहाँ पे मैं डिंकी को बोली थी कि थोड़ा सा दूध, और वो एक नंबर चाय बनाती है, तो उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल दे, और चाय को मेरे कस्टमर थे तो मैंने कहा कि तुम डाल दो, तो उसने है ना ये कर लिया, चाय पका ली थी। फिर हम चाय पी रहे थे, चाय पीने के बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो ये समय है, और डिंकी एक नंबर चाय बनाती है। चाय उसको है ना पता नहीं, कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम उसको मना भी नहीं करते हैं। तो देखिए चाय भी बहुत टेस्टी बनी थी। फिर हम शाम के बाहर, मौसम बहुत अच्छा था, तो शाम को बाहर बैठ के चाय पी ली, और ये बना रही है। बस बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चाय तो आना ही चाहिए, मैं तो बोलती हूँ हर बच्चों को चाय आना चाहिए। और अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये अदरक है ना ऐसी एकदम बारीक करके नहीं डालती, थोड़ा मोटा मोटा सा ही रख के डालती है, तो वो स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद ये देखिए हम चाय पी रहे हैं, सिद्धार्थ जी पेपर पढ़ रहे हैं, और परी भी आ गई है। तो परी अंदर थी तो बोल रही थी मैं अंदर, मैं हमने बोला कि नहीं बाहर आ जाओ, मौसम थोड़ा अच्छा है, तो इस मौसम में अच्छा लगता है। और बिल्कुल धूप नहीं थी, बिल्कुल कल भी इतनी आंधी तूफान आई, आज भी डेली है ना मौसम चेंज हो रहा, रात को दिन भर तो अच्छा रहता है, लेकिन शाम के समय इतना आंधी तूफान आती है, बहुत भयंकर आ जाती है, तो मज़ा भी आ रही थी। बस हम थोड़े बैठे, उसके बाद है ना एकदम आंधी आ गई थी, फिर अंदर चाय वाय हो गई हमारी। आजकल हम एक ही बार चाय पीते हैं, शाम के 7 बजे कभी कभी ही पीते हम लोग, कोई आ जाए तो तभी पी लेते हैं। फिर परी के लिए चेयर नहीं थी, परी अंदर गई और चेयर ले आई, और वो भी इनका 4 बजे का समय है, परी को चाहिए चाय नहीं पीती है वो, बस चाय बिस्किट ज़रूर चाहिए उसको शाम को। बिल्कुल बच्चे हमारे दोनों ही चाय नहीं पीते, बस बिस्किट में डिप करके, बिस्किट चाय में डिप करके खा लेते हैं। और मुझे तो शाम को चाय चाहिए, मैं भी एक बिस्किट मांग रही हूँ उसको, क्योंकि इन लोगों को खाते हुए दिखते हैं, इनसे छीनना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों का, क्योंकि नहीं तो फिर इसको कम इसको ज़्यादा आते ना तो लड़ाई करती, तो मैं दोनों में से एक एक ले लेती हूँ ताकि लड़ाई ना करे। और परी का हो गया खाना, परी जा रही है। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी कर ली, डिनर में मैंने आलू बैंगन आलू बैंगन गोभी ये मिक्स सब्जी बनाई है। और आलू बैंगन तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे डेली भी धोना तो मुझे बहुत, तो ये मैं ही बगाड़ रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छी, सिद्धार्थ जी के हाथ की तो एक नंबर बनती है। और मैं इसमें बिल्कुल अदरक लहसुन वगैरह कुछ ही नहीं है अवॉइड कर, बस थोड़ी सी ऐसे किस लूँगी अदरक लहसुन, और उसके बाद मसाले भी नहीं, सिंपल से बना लूँगी। तो ये देखिए ये बना रही हूँ, और कैसी बनेगी तो आप बताइएगा। बस हल्दी और कसूरी मेथी डाल दूँगी, और धनिया पाउडर सब ख़त्म हो गया था क्योंकि एंडिंग आ गया है, तो लास्ट में हम भरे, और ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला उस दिन का बचा था, मैंने बहुत सारे पैकेट ले आए थे ना तो बचा था, तो मैं पाव भाजी मसाला भी डाल दिया, धनिया पाउडर डाल, थोड़ा गर्म मसाला, ये सब डाल दूँगी। और सिंपल से हमारा डिनर है ये, और एक नंबर डिनर था। तो आलू बैंगन किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो गाइज आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और जो भी न्यू है वो मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब कर, जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकॉन है दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से सबसे पहले आपको ही मिलेगी नोटिफिकेशन। और इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा है ना ये भी डाल दे रही हूँ, क्या बोलते कस्तूरी मेथी, ये मैंने घर भी बनाई जो कस्तूरी मेथी। तो बस इसी के साथ मैं अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।